ये जो आप सामने महिला देख रही हैं, इनका नाम ममता देवी है। ये जो पीड़ित है, जिनकी डेथ हो चुकी है, रामी राम जी की पत्नी है। तो अभी इनके पति की डेथ हो चुकी है 13 फरवरी को, चुनाव के एक दिन पहले। तो अभी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई कर रहा है, क्या एफ आई आर हुई है, क्या कार्रवाई चल रही है। जी आप थोड़ा बताइए। मेरे पति कांग्रेसी थे, वो बीजेपी वालों ने मेरे पति को मार दिया। घर में आकर बुलाकर फोन कर, पहले फोन किया कि घर में आकर बुलाकर ले गए राजेंद्र सिंह जी, मेरे पति को मार डाला। फिर उसके बाद मारने के बाद उन्होंने घर में आदमी भेजा हमसे कहने के लिए, आप लोग, वो लोग मेरे पति को लेकर आए यहाँ दिदार। फिर हम भी आए तो हमें जो हॉस्पिटल में मिलने ही नहीं दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। तो अभी इसमें कुछ कार्रवाई हो रही है, आपको आपको जिन लोगों पर शक है कि इन लोगों का फोन आया था, ये लोग ले गए थे और इन लोगों ने आपके पति की हत्या की है, तो आपने पुलिस को बताया होगा, या इसमें कुछ कार्रवाई हो रही है आगे? सर सुनने में आ रही है, 4 आदमी है करके, एक राजेंद्र सिंह, एक महेंद्र सिंह, एक पवन सिंह, एक परवीन सिंह करके। अच्छा, तो अभी तक इनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है, इसमें को कुछ कार्रवाई हुई अभी तक इसमें? कर रही है सर, पर इससे बाकी मुझे पता नहीं है ना, मैं तो यहीं पर हूँ। ये आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि आप ये पुलिस पे विश्वास कर पा रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं कुछ कार्रवाई, क्योंकि 13 तारीख की घटना हुई थी, आज 17 हो गई है। नहीं सर, ये कुछ नहीं कर पा रहे है। मुझे तो न्याय दिला दो आप, न्याय चाहिए। ये कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी पहले से, या ये अचानक ये ऐसा हो गया? पहले से तो 5 रंजे थे, वो उसी दिन बुला कर ले गए ये बीजेपी वाले। हम कांग्रेसी ठहरे, बीजेपी वालों ने मार दिया होगा, पत्थरों से मारा होगा, सिर में बहुत भारी चोट थी और घाव ये शरीर पर भी थे, पत्थरों की मार पीट की थी, सिर पूरा फटा हुआ था, पूरे कान और मुंह और नाक से पूरा खून निकल रहा था सर, आंखों में भी चोट थी, आंखें भी बंद थी, आंखें खुल नहीं पा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो पीड़िता है वो परेशान है, रो रही है, लेकिन सिस्टम कैसे काम करता है, वो भी जब भी जब कोई न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।